इसके बारे में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ध्यान दो इधर देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक, बहुत सारे चीज पढ़ लेते। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर है टिश्यू, टिश्यू के बारे में देखना है। तो अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएगा तभी टिश्यू आएगा। इसमें देखना लेवल ऑफ डिवीजन, प्रत्येक सेल्स का अलग अलग कार्य होते हैं पूरे बॉडी में, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर फंक्शन करेगा। अब क्या है, सेल्स है, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, सेल्स है तो टुगेदर टू फॉर्म, टुगेदर एक साथ मिल करके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। तो टिश्यू एक साथ मिल करके बनाएगा, बट इस सेल जो है ग्रुप ऑफ सेल्स, ये क्या करना चाहिए, पार्टिकुलर फंक्शंस भी करना चाहिए, ऑरिजिन भी सेम्स होती है बट पार्टिकुलर फंक्शंस करना चाहिए। तो टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, उसके बाद क्या है, टुगेदर टू फॉर्म कौन सी बनाएगा, ऑर्गेन। अब देखिए बहुत सारे ऑर्गेन्स क्या करता है, एक साथ बहुत सारे ऑर्गेन्स, जैसे एलिमेंट्री केनाली है, इसमें बहुत सारा ऑर्गेन्स है, स्टोमेक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये सभी क्या करता है, एक साथ मिला करके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, ये सभी बनाएगा। उसके बाद क्या है, ऑर्गन, ये ऑर्गन सिस्टम एक साथ जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आता है तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, ह्यूमंस ले लो या प्लांट्स बॉडी ले लो, हम लोग ह्यूमंस के बारे में ज्यादातर देखेंगे, तो ह्यूमंस का बॉडी, तो ऑर्गेनिज्म बन गया। अब देखो यहाँ पे डिफाइन है टिश्यू का, ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी इसका समान होनी चाहिए, फंक्शंस भी समान होनी चाहिए, दैट जो वर्क, एक वर्क क्या करे, एक साथ काम करे, टुगेदर वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, क्या बनाएगा, टिश्यू। तो परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शंस, कोई एक काम करेगा, जितने भी सेल्स है, कोई अगर टिश्यू बनाता है कोई भी, तो एक साथ, जैसे हमारे माउथ में क्या सलाइवरी ग्लैंड है, तो ग्लैंड हो गया तो बहुत सारे सेल्स है, तो सबका काम है क्या, सलाइवा रिलीज करना, उसी प्रकार से क्या करेगा, दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शंस, कोई एक खास काम करेगा। अब एग्जांपल देख लो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक का नर्वस टिश्यू दे दिए हैं, दूसरा क्या है, ब्लड है, दूसरा क्या है, ब्लड है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ध्यान से तब छापिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू का जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक। द टर्म पहली बार जो टिश्यू टर्म दिया गया था जिस साइंटिस्ट के द्वारा, उसका नाम है बिचे, इन 1792 में, कितना में दिया था, 1792 में, इस साइंटिस्ट का नाम है बिचे। प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडीज आर, दोनों का जो बॉडी होते हैं वो बने होते हैं अलग अलग प्रकार के टिश्यू से, कैसे क्यों बने होते हैं, इसका क्या कारण है, बॉडीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू बिकॉज, क्योंकि प्लांट्स आर स्टेशनरी, पौधे जो होते हैं वो एक जगह फिक्स होते हैं, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ये क्या होगा, प्लांट्स एक जगह स्टेशनरी होते हैं, ठाड़े में रहते हैं या फिक्स होते हैं, या क्या होता है, फिक्स होता है, ये फिक्स होंगे, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, किसके लिए, भोजन के सर्च में, लेकिन पौधे तो खुद खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो ये क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं टू सर्च फूड, राइट।